نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

मारूज़ात और गुज़ारशात पेश करने के लिए हाज़िर हुई है सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि हमने टाइम दस तीस का दिया था लेकिन कुछ फ़नी ख़राबियों की वजह से कुछ टाइम हमारा ज़्यादा लग गया इस पर मैं माजरत खहरहाल रमज़ान मुबारक का ये दूसरा आशर शुरू है और मखफ़रत के आशर के ये अयाम हैं रमज़ान और कुरान मजीद इन दोनों का आपस में एक गहरा रबत और एक गहरी मुनासबत है और यही वजह है कि अल्लाह इज्जत ने क़ुरान मजीद को रमज़ान मुबारक ही के महीने में नाजल फरमाया है सिर्फ़ कुरान मजीद ही नहीं बल्कि सबका जितने सहाइफ़ हैं और जितनी आसमानी किताबें हैं वह तमाम आसमानी किताबें और तमाम सहाइफ़ अल्लाह रबुलज़त ने रमज़ानमबारक के महीने में ही नाज़ल फरमाए हैं इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह के दरबार में रमज़ानमबारक के महीने की कितनी कदर मंजिलत है नाजरीन करम सामीन मोहतरम रमज़ान अल्लाह रब्ल की तरफ से हमें एक तहफे के तौर पर मिला है इसका माना सिर्फ़ ये नहीं है कि इसके अंदर हमने रोज़े रखे और हमने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी है बल्कि हमें इसके अंदर इसके कुछ लवाज़मात हैं उनको भी पूरा करना चाहिए और उन लवाज़मात के अंदर आपने जिस तरह इक़राम से सुना है और किताबों के अंदर पढ़ा है कुरान और अहादीस के अंदर इसकी तफसत मौजूद हैं कि अपने आप को इंसान गुनाहों से बचाए ज़ाहरी और बातनी इंसान की पाकीजगी हो जाए तहारत हासिल हो जाए और इंसान मुत्तकी और परिजगार बन जाए ये मुबारक के लवाजिमात हैं तफसील में नहीं जाता मैं अपने असल अनवान की तरफ आ रहा हूँ ये एक तमहीद है रमज़ान और कुरान आपस में गहरी मुनासबत रखते हैं और गहरा रबत रखते हैं ये एक बुनियादी बात है इसके ऊपर मैं कुछ दो चार बातें अर्ज करना चाहता हूं सामीन हदीस के अंदर आता है बुखारी शरीफ की मुकर हदीस है, बाकी जखीर हदीस के अंदर रिवायात मौजूद हैं कि रसूल वसल्लम रमजान मुबारक के महीने के अंदर एक तूफान की तरह सखावत किया करते थे वैसे भी रसुल्ला सल्ला तसल् इबादात के बहुत हरीस थे लेकिन जब रमज़ान का महीना आता था तो रमज़ान के इस मुबारक महीने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का शौक और वो हिरस और भी ज्यादा हो जाता था ये शौक और ज्यादा होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तहबंद कस करके अल्लाह के सामने खड़े हो जाया करते थे ये उम्मत के लिए तालीम है सैद आयशा रजी अल्लाह तूछा मेरे आका मेरे सरताज आप तो बख्शे बख्शाए हुए हैं आप क्यों इतनी मुशक्क़त और तकलीफ उठाते आपके पैर मुबारक सूज जाते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने अरशाद फरमाया अफला अकून आब्दन शकूरा आयशा अल्लाह ने मुझे बख्शा बख्शाया हुआ पैदा किया है मेरा गुनाह नहीं है मैं खता हूँ मैं मासूमी का इमाम हूँ इज़्ज़त का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम है और एहसान है इस इनाम और एहसान के बदले में अफला अकुन आब्दन शकूर क्या मैं अल्लाह का शिक्र गुजार बंदा ना बन जाऊं मतलब ये अल्लाह के रसूल सल्म अल्लाह के सामने खड़े हो जाते थे और अपने दुनियावी मामला दुनियावी मामला दुनियावी काम यह सारा कुछ छोड़ करके अपने रब को राजी करने के लिए खड़े हो जाते थे और खसूस मुबारक में जबरीलीसलाम आते थे रसूल अल्लाह सल वम के साथ कुरान का दौर करते थे कुरान मजीद सुनाया करते थे और आखिरी रमज़ान सैयद आयश रजी अल्लाह तरमाती हैं कि जब आखिरी रमज़ान था रसूल सल्हु वसम का तो उसमें जबरीली सलातम रसोल सल वसम के पास तशरीफ़ लाए और आका सल असलम ने दो मरतबा कुरान मजीद सुनाया था रमज़ान की मुनासबत की वजह से कुरान और रमजान की गहरी मुनासबत है मैंने आपको बता दिया और हमारे अकाबर और हमारे असलाफ रमज़ानमबारक में कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक को बहुत ज्यादा बढ़ाया करते थे आपने सुना होगा इमाम आजम अबू हनीफा रहा तला के बारे में कि वो रमजानमबारक के अंदर इकसठ खत्म किया करते थे इकसठ सिक्सटी वन इकसठ मरतबा कुरान मजीद का ख़त्म किया करते थे कैसे एक ख़त्म रात को होता था एक ख़त्म दिन को होता था और एक ख़त्म तरावी में होता था इकसठ मरतबा कुरान मजीद का ख़त्म होता था इससे कुरान और रमज़ान के साथ हमारे अकाबिर की एक गहरी मुनासबत भी ज़ाहिर होती है वो तो खैरकून का ज़माना था वो तो सहाब कराम के शागिरद थे वो दौर था और उन्होंने सहाब करक कराम के शागिदों से सुना बल्कि सब कराम से भी उन्होंने सुना सहब इक्राम की मुलाकात और जीारत का उनको मौका भी मिला उन्होंने जीारत की है वो तो बड़े लोग थे वो तो बहुत बड़े लोग थे और उनके मुकाम और पौ... उनके मुकाम और मरतबे तक पहुँचना तो दरकिनार हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वह खैरून का ज़माना था उसके बाद जो हमारे अकाबरीन देवबंद के हैं अगर उनके हालात आप पढ़ लें तो आपको हैरत हो जाएगी आपको यकीन हैरत हो जाएगी एक वाक्य मैं आपको बयान कर लूँ कि हमारे अकाबरीन रमज़ान और मुबारक के महीने में कुरान मजीद के साथ कितनी मुनासबत और कितना गहरा ताल्लुक पैदा करते थे जजीर इंडमान में शेख उहन हजरत मौलाना महमूद हसन देबंद रिमोल्ल्ल् तेओबंद के सरखेल हैं और जर्नेल हैं जो तहरीकते बर के रूह रवा हैं जितनी तहरीक बर सगैर के अंदर आ, आ, शुरू हुई हैं अब पाय तकमील तक पहुँची हैं या नहीं पहुँची हैं वह अलग बात है लेकिन सब की बुनियाद अगर आप देखेंगे तो आपको शेख उ हि का नाम ज़रूर नज़र आएगा या शेख हिंद के शागिदों का नाम ज़रूर नज़र आएगा यह एक तफीली वाक़ है तफसीली कौनवान है फिर कभी मौका मिला तो इन शज़ीज़ उस पर हम बात करेंगे जजीर अंडमान में कैद हो गए शेख उजरत मौलाना महमुदा हसन देवबंदी रही और उनके साथ उनके शागिर्द माया अनाज तलमीज़ रशीद शेख उलब वजम हजरत मौलाना सैद हुसैन अहमद मदनी रही वो भी कैद थे रमजानबारक का ये मुकदस महीना आया तो शेख उन्द बड़े परेशान हो गए वह परेशानी के आलम में बड़े एतराब की कैफियत में मुबतला थे तो ये शागिर्द ने अपने उस्ताद की इस तरबी कैफियत को समझ कर उनसे पूछ लिया कि उसता जी आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं वजह क्या है तो शेख ने फरमाया बेटा मुझे परेशानी यह है कि जब से मैं बाल हुआ हूं उस वक्त से लेकर के अस्सी साल मेरी उम्र के होने को है उस वक्त से लेकर के आज तक कोई रमजान ऐसा नहीं गुजरा है कि रमजान खत्म हो जाए और मैं तरावी में अल्लाह का कुरान ना सुनू कभी ऐसा मौका नहीं आया लेकिन आज यह एक ऐसा मौका है कि मैं जेल के अंदर हूँ मेरे शागिदों के अंदर कोई हाफिज नहीं है मेरे साथियों के अंदर कोई हाफिज नहीं है और ये इलाका ऐसा है कि पूरे इलाके के अंदर मुझे कोई हाफिज नहीं मिल रहा बेटा मुझे लगता ये है कि यह रमज़ान मेरा ऐसे ही चला जाएगा और मैं कुरान मजीद के ख़त्म से महरूम रह जाऊँगा यह माज शागिर्द है जब उस्ताद शेखुल हिंद जैसे होंगे तो फिर यकीनी बात है कि शागिर्द भी शेखुल इस्लाम शेख उरब वलजम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रही जैसे होंगे शागिरद ने फरमाया उसता जी आप फिक्र ना करें आप बिल्कुल बेफिक्र जाएं इन आप रमज़ान भी बग़ैर कुरान मजीद के ख़त्म के ज़ाया नहीं जाएगा बेटा आप कैसे आप तो कुरान मजीद के हाफिज नहीं हैं फरमाए उस जी आप दुआ करें इन शाह आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर ऐसा हुआ के सारा दिन शेख उ शेख उम शेख उबलाजम हज़रत मौलाना सैद हुसैन अहमद मदनी साहब दिन में पारा याद करते थे और रात को मुसले पर खड़े होकर के तरावी में सुनाया करते थे कभी एक पारा हुआ कभी डेढ़ पारा हुआ कभी दो पारे हुए कभी सवा पारा हुआ इस तरह रमजान मुबारक की ये तरतीब चलती रही और चलते चलते चलते, चलते आखिर एक वक्त ऐसा आया पच्चीस दिन मुकम्मल हो गए पच्चीस दिन के अंदर अंदर क़ुरान मजीद की तरावी का खत्म भी मुकम्मल हो गया और मौलाना सैद हुसैन अहमद मदनी भी हाफिज कुरान बन गए ये हमारे अकाबिरन थे ये हमारे असलाफ थे जिनका कुरानी मजीद के साथ इतना गहरा तल्लक होता था और आपको पता है ताल के अनाज शागिद उनके खल्फुरशीद उनके जानशीन इमाम मोहम्मद अब हसन अशेबानी रह का बहुत बड़ा नाम है इमाम अबू हनीफा रहमोल्ला की फिका की तदवीन तवीब तब, और तरतीब और फिर इशात और तबलीग के अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ है वो छोटे थे मखीम कहते हैं कि उनकी सात साल या आठ साल की उम्र थी उनके वाल साहब उनको हाथ से पकड़ करके लाए इमाम अब हनीफा की मजलिस में उनको दाखिल करने के लिए कि इमाम साहब मेरे बच्चा है इसको आप कुरान मजीद और अहादीस और दीन का इलम सिखाई है इमाम हनीफा ने पूछा कि आपका बच्चा हाफिज है तो वाले साहब ने कहा नहीं हाफिज तो नहीं है अच्छा हाफिज नहीं है मेरे दर्स में दाखिल होने के लिए शर्त है कि जो बंदा यहाँ पर दाखिला लेगा वो कुरान मजीद का हाफिज होगा जो कुरान मजीद का हाफिज नहीं है वो यहां पर मेरे दरस में बैठ नहीं सकता उसकी वजह यह है कि मेरे दर्स के अंदर इस्तलाल होता है कुरान मजीद से आयत से तो जो बंदा आ आ नहीं है उसको तो समझ ही नहीं आती कि कुरान-ए-मजीद की कौन सी आयत के अंदर कौन सा मजमून है और अल्लाह बंदा आएगा पहले वो हिफ्ज़ करेगा तो इमाम अब हनीफा रने पर इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी ने के वाल साहब ने अपने बेटे को वापस लेके चले गए एक हफ्ता गुजरा फिर वापस आ गए और इमाम साहब से फरमाया कि इमाम साहब मेरे बेटे को अपने दर्स के अंदर दाखिला दीजिए इमाम साहब ने फरमाया देखें जी आप एक हफ्ता पहले भी तशरीफ़ लाए थे लेकिन मैंने आपको कहा था कि अपने बेटे को पहले हिफ्स कराएं फिर उसके बाद उसको मैं दाखिला दूंगा तो उनके वाले इमाम मोहम्मद के वालिद साहब ने फरमाया कि इमाम साहब एक हफ्ता हो गया मैं अपने बच्चे को यहां पर लेके आया था और आपके कहने पर मैं वापस लेके गया था एक हफ्ते के अंदर सात दिन के अंदर मेरे एक छोटे से बच्चे ने अल्लाह का पूरा कुरान पूरा हिफ्स कर लिया है तो ये हमारे असलाफ थे ये हमारे अकाबरीन थे उनका कुरान मजीद के साथ एक ताल्लुक था एक रब था मेरे मोहतरम साथियों देवबंद के सरखेल और जर्नेल जिस तरह मैंने आपके सामने नाम लिया वो शेख हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी राम ते फ़कीह उम्माए देवंद में सबसे बड़े फिकहदान दान जिनके बारे में इमाम अनवर शाह कश्मीरी रहमोल्ला फरमाते हैं कि वो फ़िका में इमाम शामी से बुलंद पाया के फ़कीह थे मेरी मुराद फ़ीर उम्मत कुतब अखताब हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहम्त शेख हरे के उस्ताद हैं और यही इमामुमुफसरीन सालकी हजरत मौलाना हुसैन अली अलवानी के भी उसद हैं दारोम देवबंद के अंदर इन्होंने मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगो ही रम्हु से हदीस और कुरान का और फिका का इलम हासिल किया था अब मैं आपको दरमियान में एक नुकते की बात बताता हूं मौलाना हुसैन अली रम्हुआ जब मियाँ वाली वापस आ गए दारुलम देबंद से फारि होकर जब वापस आ गए तो उन्होंने अपनी सारी सरगर्मियों का मरकज अल्लाह के कुरान को बना दिया उन्होंने कुछ भी नहीं किया वापस आकर के फौरन अल्लाह के कुरान की तालीम दिलाने के लिए देने के लिए बैठ गए और मुख्तलिफ इलाकों से बाहर के मुल्कों से और हिंदुस्तान के कोने कोने से चप्पे चप्पे से कहां कहां से लोग आकर के तशतगान कुरानी या यहाँ पर आकर के मियाँ वाली की सरजमीन पर एक छोटी सी मस्जिद जिसको आज कल डेरा हुसैन अली के नाम से याद किया जाता है वहाँ पर वो सारे मौलाना हुसैन अली के पास बैठ गए और उनसे कुरानी मजीद का इलम हासिल करना शुरू कर दिया अब मैं जरा वापस जाता हूँ शेख लिंद मौलाना महमूद हसन साहब की तरफ जब वो शेख उन्द मौलाना रशीद अहमद गंगोही रही मौल्ला हो गए तहसील हुए फिर दार्लूम देवबंद के अंदर ही वो मुदरस हुए सदरुल सदरमदरसिन बने और बड़ी बर्रगीर की तहरीकात के बानी मबानी बन गए आज हमें पाकिस्तान आज़ाद सूरत में मिला है आज हम पाकिस्तान के अंदर आजादा आज़ादाना ज़िंदगी बसर करते हैं तो ये तहरीकते शेख उ हिहिंद की कुरबानियाँ हैं उन्होंने जिस तहरीक की बुनियाद रखी थी वही तहरीक अंग्रेज़ को बड़ी सगीर से भगाने के लिए एक बुनियाद बन गई थी तो ये तहरीक के अंदर वो मसरूफ थे मशगूल थे बहुत उन्होंने जो जिंदगी गुजारी है मैं दावे से कहता हूं कि करीब दौर के अंदर ऐसी जिंदगी किसी ने भी नहीं गुजारी होगी कि वो कुफर की आंखों का किस तरह से कांटा बने हुए थे जब वो जजीर इंडमान में कैद हुए जेल में चले गए वो वहां पर तला हो गए परेशान थे कि उम्मत किस तरह उम्मत की ये कश्ती इस भंवर से किस तरह निकलेगी उम्मत किस तरह परेशानियों से बाहर निकलेगी उम्मत की कामयाबी का नुस्खा क्या है उम्मत कौन से मीर पर आएगी ताकि उनको दुनिया के अंदर कामयाबी मिले ये पिसी जा रही है पस्ती की तरफ जा रही है नीचे की तरफ जा रही है शिकस्त खुरदा हो रही है इनको निकाला जाए इन इनके जहनों के अंदर इनकलाबी सोच पैदा कर दी जाए ताकि गुलामी की ज़हन गुलामी की सोच इनके जहनों से निकल जाए सोच और विचार के अंदर मुबतला थे उन्होंने वहां पर एक तफसीर लिखी जो आजकल तर्जुमा शेख उ हिंद के नाम से मशहूर है फिर उसके ऊपर इजाफा शे, शेख उम हजरत शब्बी अहमद ओस्मानी राय ने किया जो तफसीर ओस्मानी के नाम से मशहूर है वहां पर लिखी फिर जब इनकी रिहाई हो गई वापस आ रहे थे रस्ते में कश्ती के अंदर बहरी जहाज़ के अंदर बैठे हुए थे तो जहाज़ हजकोले खाने लगा और तूफान आ गया और ऐसी सूरत हाल बन गई कि गोया के अब ये कश्ती डूब जाएगी और ये जहाज़ जो है ये गर्क हो जाएगा करीब था कि इस तरह हो जाए शेख ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर हम मर भी गए तो कोई बात नहीं है हम दुनिया से चले चले भी गए तो कोई बात नहीं है क्योंकि हमने तो जाना ही है लेकिन मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि ये कुरान मजीद का जो तर्जुमा मैंने लिखा हुआ है आपने इसकी हिफाजत करनी है और इसको महफूज शक्ल में हिंदुस्तान लेके जाना है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि तूफान थम गया और कश्ती बहिफाजत अपने साहिल पर लग गई जब शेखुल हिंद वापस तशरीफ लाए दारोम देवबंद के अंदर जब वापसी हो गई ये वाक़ा कुरान के अंदर मुफ्ती आजम पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहीम लिखा हुआ है कि शेख उन्न जब वापस तशरीफ लाए तो अकाबरीन देबंद को बुलाया और कहा कि मैंने आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है सारे देवंद जमा हो गए बड़े बड़े शागि उनके जमा हो गए जो हमारे असलाफ हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे सर के ताज हैं सारे जमा हो गए सोच में मुबतला है कि शेख उ शेख के जब सारे शागि सामने बैठ गए तो शेख हिंद ने खड़े होकर के उनके सामने एक तकरीर की और कहने लगे कि मैंने अस्सी साल अपनी सारी उम्र तहरीकों के अंदर गुजारी अपनी सारी जिंदगी मैंने एक लॉन्ग टाइम स्ट्रगल है इसके अंदर मैंने गुजारी बहुत मेहनतों के अंदर मुशक्तों के अंदर मैंने मतलब कि कोई गोशा उम्मत की कामयाबी के लिए नहीं छोड़ा जिस पर मैंने गौर न किया और जिस पर मैंने कदम न उठाया हो अगर जो मुझे जेलें काटनी पड़ी अगर जो मुझे सख्तियाँ झेलनी पड़ी अगर जो मुझे मुश्किल उठानी पड़ी लेकिन मैंने कोई भी लम्हा किया है मैंने उम्मत की तरक्की के लिए उम्म की कामयाबी के लिए हर एक कदम उठाया है लेकिन तीन साल की कैद तनहाई के अंदर रहकर मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उम्मत कामयाब कैसे होगी वो कैसा नुस्खा है वो कौन सा गुर है कि जिस पर उम्मत अमल करे और कामयाब हो जाए बड़े बड़े अकाबरीन के कान खड़े हो गए बड़े बड़े अकाबरीन परेशान और शोक में मुबतला हो गए कि हमारे उस्ताद कौन सा नुस्खा लेकर के वापस आए हैं जो 80 साल की उम्र तक उनको समझ में नहीं आया था और आज उनको समझ आ गया है मेरे भाइयों शेख उन्द की तकरीर सुनिए है मुफ्ती शफी रहमोल्ला की जुबानी सुनी है शेख उन्द ने दारुल देवबंद की इमारत के अंदर खड़े होकर के अकाबरीन जो उनके शागिर्द थे उनके सामने तकरीर करते हुए कहा था कि दो नुकते ऐसे हैं दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिन पर मैं पहुंचा हूं कि जब तक उम्मत इन दो नुकतों पर अमल नहीं करेगी तब तक कामयाब नहीं होगी वो कौन से नुकते हैं फरमाया एक ये कि उम्मत अल्लाह के कुरान से दूर हो चुकी है जब तक ये उम्मत अल्लाह के कुरान की तरफ पलट के नहीं आएगी तब तक ये उम्म नहीं हो सकती है दूसरी बात उम्मत इफ्तराक का शिकार हो गई है इंतशार का शिकार हो गई है जब तक उम्मत इतिहाद और इतफाक पैदा नहीं करती तब तक उम्मत कामयाब नहीं हो सकती है तो ये दो नुकते थे एक नुकता ये कि उम्मत अल्लाह के कुरान की तरफ आ जाए और दूसरा नुकता क्या कि उम्मत मुतफिक और मतहद हो जाए ये दो नुकते थे और इसी इन्हीं दो नुकतों पर शेख ने फिर अपने शागिदों को कहा कि आप लोग काम करें अब हम वापस आते हैं हजरत मौलाना हुसैन अली अलवानी की तहरीक की तरफ उन्होंने कौन सी तहरीक उठाई थी उन्होंने वही तहरीक उठाई थी जो तहरीक शेख उहिंद ने जेल के अंदर सोची कि उम्मत अगर कामयाब हो सकती है तो इसी नुकते पर कामयाब हो सकती है और मौलाना हुसैन अली अलवानी ने पहले दिन से उसी नुकते को लेकर के उम्मत के अंदर अल्लाह के कुरान की तब्लीख शुरू कर ली थी ये एक बहुत बड़ी सोच है यह एक बहुत बड़ा बड़ी फिक्र है यह इनकलाब के लिए कदम है मौलाना हुसैन अली अलवानी रो शख्सियत है जिन्होंने इस उम्मत के अंदर कुरान मजद की तहकुर मजद की तबलीग कुरान मजद की तफसीर कुरान मजद की तालीम की तरवीज का वो बीज बोया है कि जिसकी मिसाल उनसे पहले तारीख के अंदर नहीं मिलती सारी तारीख आप उठा करके देखें आपको बड़े बड़े ऐसे हल्के मिलेंगे ऐसे दुरुस मिलेंगे ऐसी जमातें मिलेंगी कि कोई शेख पढ़ा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्हु वसल्लम की हदीस पढ़ा रहा है और सामने हजारों का इज्तम मौजूद है तारीख की किताबों में हमने पढ़ा है अब्दुल्ला बिन मुबारक की क्लास का इतना बड़ा हल्का होता था उनकी जमात की इतनी बड़ी तादाद होती थी कि बगदाद की गलियां भरी हुई होती थी यह हमने तारीख की किताबों में पढ़ा है इमाम अब्दुलरहमान इब्नजूजी रही तक की कि दर्स के अंदर एक लाख बीस हजार से ज्यादा लोग शिरकत करते थे तारीख की किताबों में हमने पढ़ा है इमाम बुखारी की, की जमात उनके दर्स उनके हल्के के अंदर हजार हजार हा लोग शरीक होकर के रसुल्ला की हदीस का तालीम हासिल किया करते थे ये हमने तारीख की किताबों में पढ़ा है कि इमाम तिरमीज़ रह त के हल्के दरस के अंदर सत्तर हज़ार लोग बैठ करके रसुल्लम की हदीस का दर्स हासिल किया करते थे ये हमने पढ़ा है लेकिन बड़े अफसोस की बात है अगर हम पलट जाए अपनी तारीख के अंदर और हम देखें कि कहीं ऐसा भी कोई हल्का मौजूद है कि कोई मुफसर कुरान बैठा हुआ कुरानी मजीद का मुफसर हो शेख हो कुरानी मजीद की तफसीर बयान करने सिखाने के लिए लोगों को अल्लाह के कुरान का पैगाम देने के लिए सिर्फ अल्लाह के कुरान का पैगाम देने के लिए कोई मुफसर बैठा हो और उसके सामने इतना बड़ा एक अज्तमा मौजूद हो जो अल्लाह के कुरान को सीखने के लिए बैठा हुआ हो आप जा करके तारीख के औरक पलटिए आपको ऐसा कोई हल्का नजर नहीं आएगा फिर मैं वापस हुआ यह तारीख के औरक मैंने बंद कर दिए और मियाँ की सरजमीन पर पहुंचा तो वहां पर शेखुल उल कुरान शेख उफसीर इमाम कुदवत सालिकीन हजरत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई रह तयनाज शागिर्द करेगा उनकी सनद के ऊपर शेख मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही गंगोई ने लिखा हुआ है पंजाब का मौलवी बड़ा काम करेगा उनके हल्के दर्स के अंदर बैठे हुए हमारे काबरीन असल की तरफ आता हूं हमारे अकाबिरीन थे। वो कैसे अकाबिर थे ऐसे अकाबिर आप देखें तो गुजरा की सरजमीन से हमारे अकाबिर गए गुजरात की सरजमीन से हमारे अकाबिर गए अन्नी की सरजमीन से हमारे अकाबिर गए पिंडी की सरजमीन से हमारे अकाबिर गए ऐसे वो कौन लोग थे मौलाना हुसैन अली के शागिद कौन है कोई आम शागिर्द नहीं है उनके शागि में शमसूल मुहदीसीन हजरत मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमोल्ला जैसे अकाबर हैं उनके शागिदों में काजी यासमतुल्ला रह तैसे अकाबर हैं उनके शागिर्दों में काजी रह तैसे अकाबर हैं उनके शागिरदों के अंदर पीरी तरीकत खतीब इस्लाम हजरत मौलाना इनातुल्ला शाह रह तैसे अकाबरीन है और उन्हीं के शागिर्दों के अंदर तोहदाल इसके अलंबरदार फना फिर तोहिद और मजा हैदि खत में नबुवत हजरत मौलाना शेख उ कुरान गुलाम्ला खान रह जैसे अकाबरीन है उनके शागिर्दों के अंदर हजरत मौलाना जैसे शागिर्द हैं उनके शागिर्दों के अंदर इबन तेमी जमान हामी तो ही तो सुन्नत और माही ही को बिदत मौलाना शेखल मौलाना मोहम्मद मैं उधर तारीख के औरक में चला गया फिर वहीं से फैज़ कुरानी लेकर शेख उ कुरान मौलाना महमद ताहिर अपने इलाके पंचपीर सवाबी में वापस आते हैं और वहीं पर बैठ कर अल्लाह के कुरान का दर्श देना शुरू कर देते हैं 1987 के अंदर वो दुनिया से चले जाते हैं और उनके बाद उनके और रशीद उनके सही जानिशीन उनके सही मसनद नशीन जमात इशाद तोहिद वसन्ना पाकिस्तान के अमीर शेखुल कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिर उन्हीं की मस्न्त पर बैठ करके उन्हीं के मसनत को उन्हीं के मनसब को आगे बढ़ाते हैं उन्हीं की फिक्र और उनके काज और मक्फ और मिशन को कौम के सामने आगे रखते हैं और उनकी फिक्र को आगे बढ़ाते हैं फिर ऐसा भी हुआ कि के दारुल कुरान के अंदर आज कल, इस साल तो वो रौनकें अल्लाह का करना ऐसा हुआ और मंजूर ऐसा था कि वो रौनकें नहीं चली लेकिन पिछले साल तक तारीख के आईने के अंदर अगर आप देखें और हकीकत की आंखें खोलकर अगर आप देखें तासब की पटियां पूरी दुनिया की इस्लाम की तारीख के अंदर यह एक वाहिद हल्का आपको ऐसा मिलेगा कि जहां पर सिर्फ अल्लाह के कुरान को सीखने के लिए एक मुफसर बैठा हुआ उसके सामने चालीस से लेकर के पैतालीस हजार तक उलमा और तलबा अल्लाह के कुरान को लेकर के सामने बैठे हों और अल्लाह के कुरान की तफसीर सीखने के लिए बैठे हों मेरे मुसलमान भाइयों ऐसा हल्का आपको इस्लाम की तारीख में कहीं और मिल ही नहीं सकता मैंने बड़े बड़े इस्तेमाद के अंदर यह बात की है और बड़े अकाबरीन की तरफ से मुझे इस पर हौसला भी और दाद भी दी गई है वाकई ऐसी महज ताली नहीं है यह महज भड़क नहीं है यह महज खतीबाना ले जा नहीं है यह महज अपनी जमात की बुलंदी और बरतरी साबित करना नहीं है ये हकीकत पर मबनी बात है यह हमारी जमात इशात तोहहीद वसन्ना की मेहनत है मेरे भाइयों कुरान और रमजान गहरा ताल्लुक है अब भी आप फेसबुक और सोशल मीडिया उठाइए और देखिए पूरी दुनिया में लोग जो इशाद उतोहीद व सुन्ना के साथ वाबस्ता लोग हैं उनके सामने अगर फेसबुक मौजूद है तो उस फेसबुक के अंदर इशात तहीद व सुन्ना के मायनाज, मशाइ के अंदर कोई ना कोई शेख दर्स कर रहा होगा कुरानी मजीद का और वो लोग सामने बैठ करके वो सुन रहे होंगे और ये भी मैं फखर से कहता हूँ अलहमद तहदीस में नमत के तौर पर कहता हूँ आज पाकिस्तान भर में जितने दो रहा है तफसीर शुरू हैं उनमें मैं से कह रहा हूं अठानवे फीसद वरना तो सौ फीसद में से कोई पॉइंट्स कम होंगे अठानवे फीसद जितने शयूख और मशाइ और काबिर पुरानी मजीद का तर्जुमा और तफसीर सिखा रहे हैं अट्ठानवे फीसदा और अकाबरीन का तल्लु शात उ तो के साथ है कुल बीफल वह ही फबाल का फल यफ रहू कहिए मेरे पैगम्बर या अल्लाह के फजल और रहमत की वजह से है फबे दाल का फल और इसी पर मोमिनों को खुश होना चाहिए इसी पर मुसलमानों को फख्र करना चाहिए अगर खुशी है तो यही है कि अल्लाह ने हमें अल्लाह अपना कुरान बख्शा हुआ है और अल्लाह इज़्ज़त ने हमें अपने कुरान की तालीम और तरवीज और तफसीर के लिए खास किया हुआ है हमें इस पर फख्र है और हमें इस पर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है और आपसे भी जितने सामीन और नाजरीन हैं सबसे कहना चाहता हूं कि रमज़ान का यह मुबारक महीना मुकद्दस महीना यह दूसरा अशर कल चौदवा रोजा है मतलब यह कि आधा महीना हमसे चला गया अब आधा महीना बाकी है हमारे पास वक्त है हमारे पास अब भी मौका है हमारे पास है हम पलट जाए जितनी हमसे गफलत हुई हो गई उस पर हम निदामत के अंशुबाए अल्लाह के हुजूर गिड़ गेल गिड़ाएं और अल्लाह से माफी तलब करें और जितने दिन जितने अयाम हमारे बाकी रहते हैं वो अयाम हम गनीमत समझें कीमती बनाए और इन अयाम के अंदर हम अल्लाह का कुरान खोलें और अल्लाह के कुरान के पैगाम को समझें कि अल्लाह अपने कुरान के अंदर हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं और याद रखें अगर बिलखसूस आपको मिलता है मैं यूँ नहीं कहता कि इर्शाद तोहिद वसुल्ला के अलावा किसी के पास कुरान नहीं और कोई कुरान की खिदमत नहीं करता हाशा कल्ला मेरी बात का मकसद ये नहीं है लेकिन ये मैं जरूर कहता हूँ कि जितनी खिदमत अल्लाह के कुरान की इशाद उतहद वसुल्ला के ऊलमा ने की है इतनी खिदमत को और नहीं कर सकता है और खास है देवबंद में इशात का देखें आखिरी वकत में कहा था कि मैं इस नतीजे पर पहुंचाब नहीं होगी जब तक कि उनका ताल्लुक मजीद से नहीं जुड़ेगा यह उनकी आखिरी बातें थी बकोल मौलाना मुफ्ती शफी रहमो की यह उनकी आखिरी बातें थी उनका आखिरी दौर था उनकी जिंदगी हयात मस्तहार के आखिरी अयाम थे जो वो पूरे कर रहे थे आखिर में उन्होंने ये पैगाम दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसी पैगाम को जमात शादुल तहीद वसल्ला ने पकड़ा हुआ है अपना मताए मताए समीन बनाया हुआ है बल्कि यूं कहूं तो बेजान ही होगा कि अपनी जिंदगी का मकसद इसी को बनाया हुआ है तो हम फिक्र शेखल हिंद के अमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने यह फिक्र दी थी कि किरण मजीद को आम करो कुरानी मजीद का पैगाम मुसलमानों तक पहुंचाओ अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी पर कारबंद हैं और हमारे अकाबरीन ने अपनी सारी जिंदगी इसी पर गुजारी है कतलाना हमले हुए इसी की वजह से हुए उनको इलाका बदर किया गया इसी की वजह से हुआ उनके उनको शहादतें मिली हैं इसी वजह से हुई हैं और उनकी जिंदगियां तकलीफ के अंदर गुजरी हैं तो इसी नुकते पर हुई हैं और आपको आखिरी एक बात जरूरी बताऊं कि ये हमारे अकाबरीन में जमात इशात तोहिद वसुल्ला के उलमा का एक तुर्र इम्तियाज समझिए कि इन्होंने उम्मत का रुख मोड़ा उम्मत का रुख किस्सों से कहानियों से कसीदों से मरसीजों से दौड़ों से और दास्तानों से उन्होंने उम्मत का रुख मोड़ करके मौजूद रिवायात से घड़ी हुई बातों से उम्मत का रुख मोड़ करके अल्लाह के कुरान की तरफ फेर दिया है ये इस जमात का खास है और इसके अकाबरीन का खास है यह ताली की बात नहीं है मैं बार बार कह रहा हूं यह हकीकत पर मबनी बातें हैं अगर कोई मेरी बात से इख्तलाफ करता है तो करे मैं बसद एहतराम उसके अख्तलाफ को कबूल करूँगा लेकिन गाली की सूरत में नहीं दलील की सूरत में अगर किसी के पास कोई दलील है तो वह हमारे सामने लाए इस जमात की तरह किसी ने अगर कुर्बानी पेश की हो अल्लाह की तोहद के लिए रसोल वम की सुनत के लिए ख़तम नबूवत के लिए तालीम और शेखलकुरानन की आह जब शोरश काश्मीरी ने फरमाया था कि तहरीकी खत्म नबूवत कामयाबी की मंजिल पर क्यों नहीं पहुँचेगी कि मरकज कुरान है और मेज़बान शेख उकुरान है अल्लाह अकबर हमारी जमात ने अलहमदिल्ला हर मैदान में और हर मोड़ पर और हर महाज पे जंग लड़िए

सबसे पहले अल्लाह के कुरान को देखो अदीसी सया को देखो ये मंशूर इमाम आजम बनीफा का भी था और यही मंशूर हमारी जमात के काबरीन इशात वसल्ला के मशाइ का भी है कि जो अकीदा कुरान से टकराए जो अकीदा सुन्नत से टकराए आप सुन्नत न छोड़ें आप कुरान न छोड़ें आप उस अकीदे को छोड़ें क्योंकि हमारे अकायद की बुनियाद अल्लाह का कुरान है और का फरमान है मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों ये चंद एक बातें थीं जो मैंने आपके सामने पेश की और उम्मीद करता हूँ कि आप साथियों ने वो बातें सुनी होंगी अगर किसी का कोई इख्तलाफ है तो मैं बसद एहतराम इख्तलाफ को कबूल करूँगा लेकिन बात यह है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में हो अखलाक के दायरे में हो गालम गालोच का अख्तिलाफ़ ना हो दलाइल का अख्तिलाफ़ हो दलाइल का अख्तिलाफ़ आप की सुन्नतों के अहिया के लिए और कुरानी मजीद के पैगाम को पूरी दुनिया में हर मुसलमान खास आम मर्द जन तक पहुँचाने के लिए जमात इशात तोहिद वसन्ना का हाथ थमिए अल्लाह रब्ल्ज़त हमें अमल करने की तोफ़ी कता फ़रमाए फल खैर हाफजा वहू अरहर